अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रिकेट विद स्माइल। आरसीबी की इतनी घटिया बॉलिंग परफॉर्मेंस है, आप पिछले IPL से निकाल कर देख लें, इस सीज़न देख लें, सेम स्टोरी है उनकी, इतनी घटिया बॉलिंग है इनकी। आज बैटिंग क्लिक किया कुछ बैट्समैन ने विराट कोहली के अलावा, आज विराट कोहली तो ना चल सके। डू प्लेसिस ने अच्छा खेला, पतिधर और कार्तिक बहुत अच्छा खेल के 50 करके थे, जो मुंबई की तरफ से तो बुमराह छा गए, आज 5 विकेट्स ले गए, वो तो बेस्ट बॉलर है ऑल फॉर्मेट्स में। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी फॉर्मेट हो, बुमराह से बेहतर बॉलर इस वक्त कोई नहीं। आज 196 रन किया, अच्छी बैटिंग पिच थी, ठीक स्कोर, अच्छा स्कोर है, थोड़ा सा और हो सकता था। आज विराट कोहली तो ना चल सके, बुमराह ने उनको आउट किया, तो बाकी चलो बैट्समैन ने कुछ किया। मैक्सवेल एक बार फिर से फ्लॉप रहे हैं, फिर इनकी बॉलिंग तो मैंने सिर्फ घटिया बॉलिंग नहीं देखी आज तक, कभी किसी भी टीम की नहीं देखी, चाहे कोई वीक टीम भी ना हो, ना कोई छोटी टीम भी हो, कि दूसरे मुल्कों की टीम हो, वो भी इससे अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। गली मोहल्ले के जो बॉलर्स हैं ना, मुझे ये कहना नहीं चाहिए पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो इससे ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करा लेते हैं। 16वें ओवर में ना चेस करवा दिया, स्काई ने इनको मार मार के बुरा हाल किया, 17 बॉल में 50 मारा, वैसे किशन ने इनको ऊपर से मारा, बहुत बुरा, पूरी तरह हराया इनको आज। हर सीज़न में इनका यही हाल है, इस सीज़न तो बैटिंग भी डिसअपॉइंट कर रही थी, बॉलिंग तो इस सीज़न तो अगले नेक्स्ट लेवल पे डिसअपॉइंट कर रही है इनको। ख़त्म हो चुका है इनका PL उसका चांस, ख़त्म हो गया इनका APL। पता नहीं ये कब सुधरेंगे, कब ये ड्राफ्ट में टीम लेंगे, अच्छी बॉलिंग लेंगे। ये जाते हैं विराट कोहली को लेते हैं, 2-3 अच्छे फॉरन प्लेयर्स बैट्समैन में ले लेते हैं, हर बार यही होता है। पास में देखे ए बी डी विलियर्स क्रिस गेल होते थे विराट कोहली के साथ, अब मैक्सवेल और डू प्लेसिस लिए होते हैं विराट कोहली के साथ, इस तरह थोड़ी ना चलेगा। बैटिंग फायर फायर से क्या होगा, ना बॉलिंग इतनी घटिया है, गए नहीं मिचेल स्टार्क का, चलो मिचेल स्टार्क की पहुंच नहीं अभी अच्छी, बाकी ये ड्राफ्ट में भी नहीं गए उसकी तरफ, ना पैट कमिंस की तरफ ये गए उन बॉलर्स की तरफ जो कुछ है भी नहीं। सिराज से सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद थी इस टीम से, वो कि अच्छे बॉलर लगते हैं, पर उनकी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, बहुत गंदी बॉलिंग वो करते हैं, बहुत मार खाते हैं, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दे रही है RCB। सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग इसी टीम की है, अब तो मुझे लगता है वो भी बस उनकी भी बस फैंस की भी बस हो चुकी हुई है। विराट कोहली इसी टीम का हिस्सा है, वो तो आगे भी मुझे लगता है रहेंगे, पर मैं तो यही कहूँगा उनको कि छोड़ दें ये टीम, किसी और टीम का हिस्सा बन जाएं, ये टीम में कुछ भी नहीं रखा हुआ, या तो ये विराट कोहली पर डिपेंडेंट थी। आज विराट कोहली ने नहीं किया बैटिंग में कुछ, आज रन लगा दिए, पर हमेशा की तरह फिर से बॉलिंग इतनी घटिया, बहुत ही घटिया बॉलिंग। दूसरी तरफ बुमराह की बॉलिंग देखें, टॉप क्लास बॉलिंग, 5 विकेट्स लेके गए हुए आप, बैटिंग टैक का ये इतनी अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर कमाल कर दिया उन्होंने, भी पहले इनिंग में, दूसरे इनिंग में तो बॉल मूव करता है ना ज़्यादा, ये इनकी मूव कर भी रहा हो, ऐसी बॉलिंग हो ना कुछ, ये तो अच्छी बॉलिंग पिच पे भी ना RCB बॉलिंग डिसअपॉइंट ही करेगी, ये वहाँ भी रन खाएंगे जैसे ये है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस सही वापस फॉर्म में जैसे आ गया हो, जैसे सोए हुए शेर जाग गया हो, पिछले मैच में मैंने आपको बताया था ये जाग गए हैं, बैक टू बैक 2 मैचेस ये जीत गए हैं, तो ये तो हैं प्लेऑफ्स की रेस में, ये जिंदा हैं अभी। RCB का सफर ख़त्म हो चुका हुआ है, बस जो अभी को भी लगता है अभी वो क्वालिफाई कर सकते हो, वो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और RCB भी फ्री में पॉइंट्स बांटी जाएगा, बांटी जाओ सिम के साथ। दिल्ली का भी सफ़र ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, पंजाब भी मुश्किल है, तो ये 3 टीम्स तो ख़त्म हो चुकी हैं, बाकी 7 में से मुकाबला है फिर टॉप 4 का, और रोड तगड़ा मुकाबला होने वाला है बहुत आगे। इसमें राजस्थान मुझे लगता है वो चली जाएगी, चेन्नई को भी जाना चाहिए, गुजरात 50-50 हुआ है, हैदराबाद की टीम भी बहुत अच्छी कंटेंडर है, मुंबई इंडियंस जाग चुकी है, लखनऊ सुपर जायंट्स कितनी अच्छी नज़र आ रही है, और कोलकाता नाइट राइडर्स भी, इन 7 टीमों में यह मुकाबला है, बाकी 3 टीमें आप समझ लें वो बाहर ही हो चुकी है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो बस इनकी पार्टी ख़राब कर सकते हैं या इनको फ्री में पॉइंट्स बांटेंगे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होमस RCB की। दूसरी तरफ तबाही, पहले बुमराह ने तबाही मचाई है बॉलिंग से, तो फिर स्काई ने तबाही मचाई। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।